हाय दोस्तों, मैं बिंदर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हमारे पास टॉपिक है पेटीएम से टिकट बुकिंग कैसे किया जाता है। तो जिन्होंने अगर सीख रखा है, जिन्हों को अगर आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरा देखें। और सबसे पहले आपको पेटीएम जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो हम चलते हैं पेटीएम के पास। तो पेटीएम है, उसके ऊपर हम ओके करेंगे। ओपन करने के बाद में आपको ऊपर नीचे स्क्रॉल कर लाएँ, और अगर आपके पास कोई नोटिफिकेशन वगैरह तो उसको आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो हम ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं, इसको स्क्रॉल करेंगे, आप धीरे धीरे कर सकते हैं अपने हिसाब से। और जहाँ पे आपका जहाँ पे बुकिंग वगैरह लिखा होता है वहाँ पे आप चले जाना, ठीक है। जैसे टिकट बुकिंग ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पे सभी आपको अवेलेबल, जैसे ट्रेन बुक फ्लाइट, तो ट्रेन वाले ऑप्शन पे ओके किया जैसे ही हमने। उसके बाद आता है डेस्टिनेशन, समय आता है हम कहाँ से बैठना चाह रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे बाई स्टेशन मतलब कौन से स्टेशन से कहाँ तक, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपना स्टेशन का नाम डाल दें, जैसे कि हमें मथुरा से वीरांगना रांची बाई तक जाना है, तो हम पहले वीरांगना सर्च करते हैं, उसके बाद लक्ष्मीबाई, और उसके बाद डेट सर्च कर लेते हैं, हमें जो लग रहा है कि हाँ ठीक है उस दिन तारीख को, तो हम 20 तारीख की सिलेक्ट करते हैं, 26 का देखते हैं, है तो ठीक है, नहीं तो हम 20 को कर लेते हैं, ठीक है। कंफर्म किया, और यहाँ पे सबसे पहले एक मेल फीमेल कर लेना, नाम डाल लेना, ठीक है, हमने मेल है, ठीक है, उसकी एज डाल दी। उसके बाद आता है कि सीट कौन सी लेनी है आपको, ऊपर वाली, नीचे वाली, साइड वाली, लेफ्ट वाली, राइट वाली, वो अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं आप। यहाँ पे सीट बर्थ का नाम होता है, ठीक है, वो सिलेक्ट कर लें अपने हिसाब से। मिडल चाहिए, कौन सा चाहिए आपको, मिडल बर्थ चाहिए, अपर वाला चाहिए, साइड वाला चाहिए, जिसको एक LOVWR होता है, लोअर के हिसाब से उनके नाम से भी होता है, उसको भी आप कर सकते हैं सिलेक्ट, ठीक है। हमने वो सिलेक्ट किया, उसके बाद डन करेंगे, ठीक है, दोबारा से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे की तरफ आना, आपको एक नंबर डाल देना, एक जीमेल डाल देना, ठीक है, जिस पे आपकी मेल आईडी से वो टिकट है जो आ जाएगा, ठीक है। तो हमने एक मेल आईडी डाल दिया, यहाँ पे मेल अपना सही डाल दें, अगर कोई गलत डाला हुआ, अगर जो बीच में जिससे आईडी बनी हो उस पे भी चला जाता है, बाकी अगर कोई दूसरा डालना चाहे तो वो डाल सकते हैं। डाल कंटिन्यू किया, प्रोसीड ओके किया, पेमेंट दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, पेमेंट है 257 रुपये 60 पैसे, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं, फेयर वगैरह, वेदर वगैरह कितना, इसमें चार्ज लगा, क्या क्या, ठीक है, कंडीशन वगैरह, एजेंट कितना ले रहा है, बाकी उसका कितना चार्ज है, 17-18 रुपये उसका भी है। आई जो कन्वेंस फीस लेते हैं अकाउंट वाले वो भी है, ठीक है। तो प्रोसीड पे ओके किया, प्रोसीड टू पे पे ओके करेंगे दोबारा से, पेमेंट मेथड आएगा, पेमेंट करेंगे। जैसे पेमेंट करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि पेमेंट का जो ऑप्शन है वो ऐसा होता है कि कई बार हमें सो नहीं होता, ठीक है। तो हम दोबारा से यहाँ पे सिम सेलेक्ट करते हैं, हम पहले भी सिम सेलेक्ट कर रहे थे, अब दोबारा से करते हैं। एक मैसेज आएगा, मैसेज है जो OTP जाएगी, ठीक है, उस नंबर में मैसेज है या जिससे बैंक अकाउंट लिंक है, इसमें 1 रुपया होना जरूरी चाहिए, अगर जिनका पहले से जुड़ा कोई दिक्कत नहीं है, 1 रुपया या 1.5 रुपया कटता है, 1.5 रुपया कट के चुका होगा, ठीक है, दोबारा से कट चुका है, मैसेज कन्फर्म होगा, और पेमेंट मेथड का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट हो जाएगा आगे से, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे एक बार ये प्रोसीड चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने उसका ऑप्शन दिया, यहाँ पे ब्लैक हो रहा था, क्योंकि जब हम MPIN वगैरह पासवर्ड डालते हैं अपनी सिक्योरिटी लगाते हैं तो ब्लैक आता है, तो इसलिए मैंने एक यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दिया, ठीक है। तो अभी प्रोसीड पे जैसे पेमेंट है कन्फर्म होगा, थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि इसमें 2-3 स्टेप होते हैं तो वो डालने पड़ते हैं, जैसे कि आपको पासवर्ड वगैरह डालना होता है, अपना सिक्योरिटी MPIN वगैरह डालना होता है, एक OTP आता है वो डालना पड़ता है, उसके बाद पेमेंट जो वेरीफाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसमें पेमेंट मेथड पे। जैसे ही पेमेंट कंप्लीट होता है तो आप एक यहाँ से नेक्स्ट मैसेज पे हम इस स्टेप पे पहुँच चलेंगे। तो जैसे ही नेक्स्ट ऑप्शन पे हम पहुँचेंगे तो उसके बाद में हमें यहाँ पे एक जो बैनर है वो आगे हमें दिखाई देना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर नेक्स्ट स्टेप पे दोबारा से दिखेगा, हमें यहाँ से देखिए एंडिंग वगैरह हो चुका है, पेमेंट स्टेटस, ठीक है, तो पेमेंट स्टेटस दिख रहा है यहाँ पे। पेमेंट दिखने के बाद में हमें अगले ऑप्शन पे चलना होगा, यहाँ पे आप आराम से स्लो मोशन पे आप चेक कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबमिट आ चुका है। अब यहाँ पे क्या करना होगा, अपने को IRCTC अकाउंट डालना और उसका पासवर्ड डालना होगा, कि यहाँ पे वो भी मैं मेंशन कर दूंगा, बाकी मैंने ये इस पर ब्लर कर दिया, कुछ छिपा दिया, और मैंने एक यहाँ पे स्क्रीनशॉट रख दिया, ठीक है। तो आप पासवर्ड अपने हिसाब से डाल लें जो आपका IRCTC का पासवर्ड है, और उसका कैप्चर फ्लिप करके आपको सबमिट पे ओके करना होगा, ठीक है। तो मैंने फिर दोबारा से अपना जो IRCTC वो गुप्त रखा है, और
कैप्चर फिलअप करके मैंने पासवर्ड को सबमिट किया है। यहाँ पे जैसे ही हम आगे फिलअप करते हैं, सबमिट हो गया है। सबमिट होने के बाद बुकिंग है जो कंफर्म हो चुकी है, ठीक है, मैसेज आ चुका ऊपर। और यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो कुछ दिखा रहा है, आप 10 नंबर होते हैं इसमें, आप शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं, ठीक है। ऊपर भी मैसेज आ चुके हैं, पॉपअप आ रहे हैं कि ये जो टिकट है कन्फर्म हो चुकी है। देखिए बार बार इसमें सब कुछ आ रहे हैं, देखिए OTP वगैरह भी आने लग चुके हैं जो हम बता रहे थे कि OTP वगैरह आती है। देखिए यहाँ पे थैंक यू फॉर फीडबैक, हमने फीडबैक दिया है कुछ, तो यहाँ पे जो हमने दक्षिण एक्सप्रेस का जो टिकट बुक किया था तो ऊपर भी देखिए मैसेज से आ चुका है। पेटीएम से बैलेंस जो वो भी कट हो चुका है, तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्रॉस के बटन से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो दोबारा से अगर रिजर्वेशन करना चाहते हैं या को डिब्बा वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो वहाँ पे स्टेशन वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हो जाता है। इस तरीके से आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप ऊपर से इसको स्लाइड करके देखोगे तो वहाँ से भी आपको ये देखने को मिल जाती है। देखिए ऊपर सब कुछ अच्छा मेल आ चुका है, सब कुछ दिखने लग जाएगा आपको। और टेक्स्ट मैसेज में भी मैसेज आ जाता है, मेल बॉक्स के भी बीच में मेल आ जाता है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं ओपन करके। देखिए यहाँ पर आपको दिख चुका है, ठीक है। इस तरीके से सभी यहाँ पर सुविधाएँ आपको मिलती हैं पेटीएम की तरफ से, जो आपको डाउनलोड यहाँ पे मिल जाता है, PDF फाइल मेल के जरिए भेज देते हैं, टेक्स्ट मैसेज के जरिए आ जाता है, तो सभी सुविधाएं इसमें अवेलेबल होती हैं। तो ये एक सरल तरीका है, कोई खास इतना कठिन नहीं है। अगर आपने पूरा वीडियो देखा हो तो लास्ट तक आप समझ चुके होंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ से कोई भी फाइल वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही करते रहेंगे और आगे समझते रहेंगे, आप ऐसे ही बहुत सारी मैं वीडियो लेके आता रहूँगा आपके लिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों का साथ शेयर करें। अगर मन में कोई सवाल है, कोई डाउट हो, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।